हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में ये सुंदर सा एक टोट बैग तैयार किया है। इसको हमने कैसमेंट के क्लॉथ से तैयार किया है, साथ ही साथ में इसमें हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है जो कि हमने खुद से किया है, और इसमें हमने नीचे बेस बनाया है और साथ ही साथ में एक हमने अंदर पॉकेट भी लगाया है। ये देखिए, और ये टोट बैग बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हुई है। देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी लग रही है, साथ में एम्ब्रॉयडरी की भी फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये कैसमेंट का क्लॉथ लिया है। देखिए ये डबल है हमारा, ये इस साइड से जुड़ा हुआ है और तीन साइड से ओपन है। ये बैग की हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसकी लंबाई हमने 18 इंच रखा है और चौड़ाई 12 इंच का। इस पर हमने एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी की वीडियो हम नेक्स्ट जो भी वीडियो डालेंगे वो हमारी एम्ब्रॉयडरी की वीडियो होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए, आप मिस मत करिएगा। एम्ब्रॉयडरी की भी हमने पूरी डिटेल बता के हमने बनाया है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे हमने ये दो पट्टी कट कर ली है, इससे हम हैंडल तैयार करेंगे। तो ये लगभग 24x4 इंच का हमने कट किया है, दो पीस कट कर लिया है। और साथ में हमने एक ये अंदर हम इसके अंदर एक पॉकेट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने ये हमारे पास चेन है, इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। इससे हम इस तरह से एक पॉकेट बना के अंदर हम लगाएंगे। तो अब हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पॉकेट तैयार करेंगे। तो पॉकेट के लिए ये देखिए, ये हमने चेन लिया हुआ है, इसको हम यहाँ ये देखिए, ये चेन हमारा अंदर है और इस तरह से हम अपने चेन और क्लॉथ को पकड़कर यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, ये इस तरह से नजदीक की से। और इसके बाद से एक सिलाई हम ये लगाएंगे और एक सिलाई इस तरह से पकड़ के ये इस तरह से एक यहाँ और एक यहाँ, ये दो सिलाई हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों सिलाई लगा लिया है साइड। अब इसको हम थोड़ा सा ये ऊपर साइड में इस तरह से लगभग 1.5 इंच ऊपर हमने इस तरह से करके यहाँ पे एक सिलाई हम लगा देंगे और एक सिलाई हम इस साइड, दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसके बाद से हम जो हमने हैंडल के लिए ये पतले क्लॉथ कट किए थे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हाफ पर और इस तरह से दोनों साइड से ये मोड़ते हुए और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो इसके लिए हम इस पर थोड़ा सा आयरन लगा लेंगे, जिससे ये पूरा हमारा क्लॉथ सेट हो जाए।
ये देखिए, ये इस तरह से हमने पूरी पट्टी सेट कर दी है। अब इससे इसकी सिलाई में बहुत ही फिनिशिंग आएगी और पूरा इवन जो है चौड़ाई का ये हमारा पट्टी तैयार होगा। इसी तरह से हम दोनों जो है कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह हमने सेट कर लिया है। अब इस पर हम जो है सिलाई लगा देंगे, एक इस साइड लगा देंगे और एक इस साइड लगा देंगे। ये देखिए, ये दोनों हैंडल की पट्टी हमारी तैयार हो गई है और ये पॉकेट भी तैयार हो गया है। अब हम अपनी बैग की सिलाई करेंगे। तो ये बैग में हमने यहाँ पे ऊपर में हमने 2 इंच ये फोल्ड कर दिया है, ये 1 इंच का ये और 1 इंच का ये, दो बार ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है इसको। सो फोल्ड करने के बाद यहाँ नीचे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर और इधर ये दोनों हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम सीधे में सिलाई लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा जो है हम अपना क्लॉथ पकड़ के और सीधे में सिलाई लगा के फिर उल्टे में हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा अंदर भी फिनिशिंग रहे, कतरन कपड़ों की ना दिखाई दे। ये देखिए, ये हमने सीधी तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद हम एक और सिलाई लगा देंगे। ये यहाँ से अब हम एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये अंदर भी जो है कतरन नहीं नज़र आएगा और बाहर भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसको ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हम कॉर्नर में थोड़ा सा एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने लगभग 1.25 इंच पे ये एक निशान हमने लगा लिया है, 1.25 इंच पे एक निशान इधर लगा लिया है और एक निशान हमने इस तरह से पूरा कोना ये मिलाते हुए इस तरह से करके 1.25 इंच पे एक लाइन लगा दिया। तो यहाँ पर और दूसरे कॉर्नर में यहाँ पे दोनों में एक सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए, ये दोनों कॉर्नर में हमने सिलाई लगा दिया। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं कि इसका बेस हमने किस तरह से बनाया है। ये देखिए, यहाँ ये इतना चौड़ा नीचे का ये बेस तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम अपना ये बैग और हैंडल लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, ये हमारा फ्रंट साइज है और ये हमारा नीचे का है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। ये हमने देखिए एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ ऊपर रखा था, इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे अंदर ये इस तरह से हम यहाँ पे यहाँ सेट कर देंगे। इसको हम पिन से टक कर देंगे, जिससे कि हमारा पॉकेट हिले नहीं। और यहीं पर हम देखिए निशान लगा रखा हमने, इसी के बीच में इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसको भी हम पिन कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा देंगे। ये इस साइड का हो गया और इधर भी हमने इसी तरह से निशान लगाया है। तो यहाँ हम इसको भी इस तरह से
रख के और पूरे में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा हैंडल भी वन साइड हमारा अटैच कर दिया हमने, और इसमें साथ में देखिए ये पॉकेट भी लग गया है। अब इसको हैंडल को हम इस तरह से अब ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर बना के क्रॉस कर देंगे। इस तरह से इसकी मजबूती अच्छी हो जाएगी, ये निकलेगा नहीं। तो हम इस पे चारों पे को इस तरह से ऊपर करके और हम स्क्वायर बनाकर क्रॉस कर देंगे। ये देखिए, ये बैग बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। ये हमारा बेस इस तरह से बन गया है, पॉकेट भी लग गया है, और देखिए पॉकेट लगाने के बाद भी हमारी पीछे की भी फिनिशिंग है, कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं नज़र आ रही है। वो बैग हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका एम्ब्रॉयडरी कितनी कितना सुंदर लग रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।